What's up guys, I hope you are doing well. I am Veer, welcome to Study Lover. Last chapter हमने देखा था किस तरीके से हमारी कंट्री में फेडरल सिस्टम वर्क करता है. फेडरल सिस्टम आखिर में है क्या, तो फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर देखे थे लास्ट वाले चैप्टर में. अब आपको यहाँ पर किस तरीके से फेडरल सिस्टम में पावर डिवाइड होती है, किस तरीके से सेंटर की पावर होती है और सेंटर और स्टेट किस तरीके से कनेक्ट रहते हैं, तो यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, तो ये सब पावर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी किस तरीके से चीज़ें डिवाइड होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो चैप्टर जो है ये 14th चैप्टर है. चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो इसलिए पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. अभी ये इसका फर्स्ट पार्ट है, फिर आगे इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा. ओके, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. तो यहाँ पर आप लोगों को सेंटर स्टेट रिलेशन देखने को मिलेंगे. सेंटर स्टेट रिलेशन हम यहाँ पर तीन डायमेंशन में देखेंगे. एक तो फाइनेंशियल रिलेशन कैसे हैं, किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों के बीच में. एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, कौन कौन सा एरिया है जहाँ पर दोनों अपने अपने एक तरीके से जो लॉ वगैरह होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस किस एरिया में अपने लेजिस्लेशन बना सकते हैं. रूल और लॉ बना के एक्ट वगैरह जो बनाए जाते हैं वो किस किस तरीके से बना सकते हैं. तो तीनों एरिया में हम अलग अलग यहाँ पर देखेंगे अच्छे से कि क्या क्या पावर डिवाइड है. सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सारी बातें भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी. और कहाँ से हमने ये फेडरल सिस्टम लिया है ये आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा. अब यहाँ पर किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा. ओके, तो अब फेडरल सिस्टम का नेचर आप लोगों को देखने को मिलेगा. एक बात आप लोगों को पता ही है, जो हमारी कंट्री यहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है, एक ऊपर सेंटर हो गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, फिर स्टेट्स में हाई कोर्ट है और फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. ठीक है, तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. केस आप लोगों ने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, फिर हाई कोर्ट में पहुंचता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि डिवाइड है कि अलग अलग पार्ट है, कि मान लीजिए केस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही खत्म हो गया, या हाई कोर्ट में चला तो हाई कोर्ट में ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. ऊपर तक केस पहुंचता है और फिर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के बाद भी अगर किसी को फांसी वगैरह की कुछ ऐसी सजा दे दी जाती है तो प्रेसिडेंट तक भी केस पहुंचता है. तो इसलिए इंटीग्रेटेड जुडिशरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है. बाकी प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है वो सब चीजें हैं आप लोगों को आगे जो लेक्चर आएगा उसमें, जब प्रेसिडेंट वाला चैप्टर हम लोग कवर करेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी. ओके, लास्ट चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि फेडरल सिस्टम है हमारी कंट्री का, जिसको हमने क्वाजाई फेडरल भी बोला था. क्यों? क्योंकि एक साइड में यूनिटरी वाले भी फीचर थे और दूसरी साइड में फेडरल वाले भी फीचर थे, तो दोनों फीचर साथ में चल रहे थे, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक यूनिक कैटेगरी में रखा जाता है जिसको क्वाजाई फेडरल बोला जाता है. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक आप लोग बोल सकते हैं कि क्वालिटी है. ठीक है, कि दोनों ही फीचर यहाँ पे साथ में रहते हैं, तो दोनों ही फीचर अगर साथ में आप लोगों को रखने हैं तो कुछ तो चीज़ें आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, रिटर्न में रखनी पड़ेगी, जिससे कि उसको फॉलो करके दोनों के बीच में रिलेशन मेंटेन रखे जा सके. अगर दोनों के बीच में कोई रिलेशन मेंटेन रखना है तो इसीलिए ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में, कि दोनों के बीच में क्या क्या पावर होनी चाहिए. तो वहाँ पर लिस्ट रखी गई है, आप लोगों को पता होगा सारी, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, फिर उस तरीके से कंकरेंट लिस्ट होती है. तो वो सारी लिस्ट में यहाँ पे पावर डिवाइड कर रखी है. तो इसी तरीके से कि दोनों किस तरीके से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चल सके और हमारी सोसाइटी में और दोनों के बीच में भी हार्मनी बनी रहे. ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है तो वो सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए सारे प्रोविजन अच्छे से रखे गए हैं कि किस तरीके से रेगुलेट करनी है दोनों की डायमेंशन और किस तरीके से कौन सा एरिया कौन से का होना है. तो तीन जगह यहाँ पर डिवाइड कर रखी है नॉर्मल, जो एक तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशन है. सबसे पहला हम लोग पोर्शन देखेंगे यह लेजिस्लेटिव. तो लेजिस्लेटिव रिलेशन किस तरीके से है, कौन से एरिया में सेंटर रूल बना सकता है, कौन से में स्टेट रूल बना सकता है और कौन से में दोनों मिलकर रूल बना सकते हैं और किसका रूल ज्यादा प्रिवेल करेगा अगर दोनों में कॉन्ट्रोवर्सी होती है, तो ये सारा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा. फिर इसके आगे चलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर, ये आप लोगों को नेक्स्ट वाले पार्ट में देखने को मिलेगा. अभी हम लोग फोकस करेंगे कंप्लीटली लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर ही एक ऐसी चीज है जो कि बेस बनाती है. अगर मान लीजिए कोई लॉ बना दिया गया आज की डेट में तो फिर उसको इंप्लीमेंट करना है वो एग्जीक्यूटिव का काम हो जाता है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होना है वो आगे का काम होता है. तो जो नींव है वो लेजिस्लेटिव रिलेशन से निकल कर आते हैं, लॉ के द्वारा ही किसी चीज को इंप्लीमेंट किया जाता है. जिस तरीके से आप लोग देखते हैं न्यूज में कई बार आता रहता है आज की डेट में डेटा प्रोटेक्शन के लेकर कमेटी सेट कर रखी है, तो कमेटी सेट क्यों की है डेटा प्रोटेक्शन को लेके, क्योंकि वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी और उसकी रिकमेंडेशन आने के बाद में हम लोग लॉ बना पाएंगे, लॉ बनाने के बाद में उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो इसलिए वहां से वो सारी बातें निकल के आती है. ठीक है, तो इसीलिए पहले हम लोग अपनी लेजिस्लेटिव रिलेशन देखेंगे कि किस किस तरीके से रिलेशन है इन सबके बीच में. जब लेजिस्लेटिव रिलेशंस की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहाँ पर रखा गया है. तो यहाँ पर रखा गया 245 आर्टिकल से लेकर 255 तक,
255 आर्टिकल तक, और पार्ट 11 में इसको रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव रिलेशन जो होते हैं सेंट्रल और स्टेट के साथ में वहां पर डील करता है, और यहां पर इनको चार पार्ट में डिवाइड किया गया। चारों पार्टों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके चलूंगा जिससे कि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। अगर उसके बाद में भी आपके माइंड में डाउट रहता है तो आप लोग नॉर्मली नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर पूछ सकते हैं, फिर जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। ओके, तो अभी यहां पर आप लोग फोकस दे सकते हैं। सबसे पहले बात की गई है सेंट्रल और स्टेट का एक अपना अपना एरिया होता है, ठीक है। तो टेरिटोरियल कौन सी है, कौन कौन सी एरिया में कौन सा लेजिस्लेशन बना सकते हैं, कहां तक सेंटर का लेजिस्लेशन बना सकते हैं और कहां पर स्टेट करता है, तो ये बातें देखते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट में। ये देखते हैं यहां पर, देखिए आप लोगों को नॉर्मली मैं स्टार्टिंग में ही कई सारे लेक्चर ले चुका हूं इसके ऊपर, जहां पर भी टेरिटरी की बात आती है वहां पर आप लोगों को तीन पॉइंट एकदम माइंड में आने चाहिए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। टेरिटरी का मतलब होता है कि उस स्टेट की जितने भी स्टेट हैं उस कंट्री में, यूनियन टेरिटरी जितनी भी हैं, और यहां पर अगर कोई बाहर की कंट्री हम एक्वायर करते हैं, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी देता उस टाइम पर, मान लीजिए चाइना को हम कल को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो चाइना एक हमारा 30th स्टेट बन जाएगा, 30वां स्टेट बन जाएगा। तो इस तरीके से इन सबको मिलाकर रखना ये सारा टेरिटरी होता है, ठीक है। तो टेरिटरी यहां पे आता है टेरिटरी, इवन आप लोगों ने देखा होगा वाटर के अंदर भी हमारा पोर्शन रहता है कि ये टेरिटरी, जिसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं हम लोग, तो वो भी हमारी टेरिटरी के अंदर ही आता है, और यूनियन के अंदर ये सब चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। वो सारी जो डिफरेंस है वो सारी बातें मैं आप लोगों को कई बार पीछे लेक्चरों में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पर बात क्या बोली जा रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया को कंट्रोल करके चलती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो लेजिस्लेशन रहता है वो स्टेट के अंदर रहता है, ठीक है। तो इसलिए पार्लियामेंट के पास में ज्यादा पावर रहती है, ज्यादा एरिया रहता है एज कंपेयर टू स्टेट। तो पार्लियामेंट के पास में टेरिटरी रहती है, और जो स्टेट रहता है उसके पास में उसका जो कंप्लीट एरिया है स्टेट का वो उसके अंडर में रहता है, ठीक है। और इसके अलावा पार्लियामेंट के साथ में टेरिटोरियल पावर तो रहती है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन भी ये बना सकते हैं कि हमारी कंट्री के एक सिटीजन बाहर जाकर रह रहे हैं तो उनसे रिलेटेड अगर कोई इशू है तो उस पर भी जो कंट्रोल रहता है वो पार्लियामेंट का रहता है, भले ही वो उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, महाराष्ट्र से हो, या वेस्ट बंगाल से हो, या फिर तमिलनाडु से हो, तो कहीं से भी कोई इंसान हो, ये सारी पावर किसके हाथ में रहेगी, पार्लियामेंट के हाथ में रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, और जो इस तरीके के रिलेशन होते हैं आईआर से रिलेटेड कोई मैटर है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड, इस तरीके के जितने भी मैटर होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, वो आते हैं सेंटर के अंडर में। तो इन चीजों पे आप लोगों को गौर देना है कि इस तरीके से अगर कोई भी मैटर को उठाना है, कोई सोल्व करना है मैटर, तो वो हमेशा यहां पर रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, ये तो हो गई बात जो यहां पर जितनी ये पावर रहती है, इसके अलावा कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर पार्लियामेंट की भी ज्यादा नहीं चलती है। वो एरिया कैसे हैं, जहां पर प्रेसिडेंट आप लोग रूल बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट का एरिया हो जाता है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा रेगुलेशन किया जाता है। कई सारे एरिया हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप लोगों ने देखा होगा, कई बार इसके बारे में न्यूज में भी सुना होगा, जिस तरीके से ट्राइबल वाले एरिया हो गए, आसपास वाला ट्राइबल वाला एरिया हो गया, कुछ ऐसे एरिया है जहां पर प्रेजिडेंट के बिहाफ में गवर्नर रूल करता है वहां पर, ठीक है। शेड्यूल्ड एरिया हो गए, जिस तरीके से वहां पर पार्लियामेंट की ज्यादा पावर नहीं रहती है। आगे चल के चैप्टर भी आएगा, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, एक अलग से चैप्टर है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वहां पर, आप लोगों को दोनों में क्लैरिटी आएगी, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितने स्टार लगाए जाए इसके ऊपर इतने ही कम है। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दोनों ही, जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल से रिलेटेड जो भी एरिया है यहाँ पर, इसके अंडर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर पार्लियामेंट की भी दादागिरी नहीं चलती है, रहता तो टेरिटरी के अंदर ही है पर लेकिन पार्लियामेंट उस पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, उस एरिया की ऑटोनॉमी एक तरीके से प्रेसिडेंट के हाथ में रहती है, या फिर वहां की जो लोकल एरिया की पंचायत वगैरह है उनके अंडर में पावर दे दी जाती है, जिससे कि वो अपने एरिया को खुद से कंट्रोल करके हैंडल करके चल सकें। तो ये भी कुछ प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं, बहुत बार इनसे क्वेश्चन निकल के आते हैं इस तरीके के जो प्रोविजन है, क्योंकि जो कुछ एक्सेप्शनल पोर्शन होता है ना किसी भी बुक का, उसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर कहीं पे एक्सेप्शनल पोर्शन अगर कोई आता है तो आप हमेशा उसको तैयार करके चला करें साथ साथ में, उसको कभी भी साइड में नहीं करना है। तो इस तरीके से वैसे तो पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, पर कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो एक्सेप्शनल है, जो कि पार्लियामेंट की ज्यादा नहीं चलती है जिन एरिया में, ठीक है। तो ये यहां पर हो गया फर्स्ट पॉइंट जो टेरिटरी से रिलेटेड हो गया। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट वाला पोर्शन है कि जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है, मतलब मैंने आप लोगों को लिस्ट वगैरह बताई थी वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर जो है वो डिवाइड की गई है 7th शेड्यूल के अंदर। 7th शेड्यूल के अंदर हमारे यहां पर पावर डिवाइड करी गई है, किस किस तरीके से सेंटर की पावर होनी चाहिए, किस तरीके से स्टेट की पावर होनी चाहिए, और किस तरीके से दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो यहां पर ये आप लोगों को लिस्ट देखने को मिल रही होगी ऊपर। ओके, एक मिनट, ये दूसरा आ गया, 1 सेकेंड, ये वाला हो गया। तो तीनों आप लोगों को यहां पर लिस्ट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जो लिस्ट है आप लोगों को यहां पर इनके सब्जेक्ट देखने को मिल रहे होंगे, तो पहली हो गई यूनियन लिस्ट,
दूसरी हो गई स्टेट लिस्ट और तीसरी हो गई कंकरेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट है, एक तरीके से लिस्ट बना दी गई है, इसमें आइटम रख दिए कई सारे, जिस तरीके से सेंट्रल लिस्ट हो गई उसमें आप लोगों को कई सारे आइटम देखने को मिलेंगे, डिफेंस से रिलेटेड मैटर देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड देखने को मिलेगा, या फिर कोई भी इंटरनेशनल रिलेटेड इशू रहेगा तो वो सारे मैटर आप लोगों को सेंट्रल लिस्ट में देखने को मिलेंगे। मतलब इनडायरेक्ट वे में आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारी नेशनल की इंपॉर्टेंस के मैटर है सारे, जो हमारी कंट्री के होलिस्टिकली इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, वो सारे मैटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहले यहाँ पर कितने थे, पहले यहाँ पर थे 97 सब्जेक्ट ओरिजिनली, अब 3 सब्जेक्ट और बढ़ा दिए गए हैं तो आज के डेट में 100 हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं एसएससी और बैंकिंग में, तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाते हैं निकल के। स्टेट लिस्ट को अगर देखा जाए तो स्टेट लिस्ट में 66 थे स्टार्टिंग में और आज की डेट में 61 हो गए हैं, मतलब क्या हो गया, घटा दिए गए हैं। 5 जो सब्जेक्ट हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, 5 सब्जेक्ट उन्होंने यहाँ ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर करने का रीजन क्या था, कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर इनको लगा कि कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, यहाँ पर स्टेट अगर कोई यहाँ पर ओनली अपना राज्य रखे तो काम नहीं चलेगा, सेंटर का भी कुछ इंटरफेयर उसमें होना चाहिए, तो इसीलिए 5 सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए और आज की डेट में 52 है। और दोनों लिस्ट, इसमें जो फर्स्ट लिस्ट है इसमें भी 3 सब्जेक्ट बढ़े हैं, ठीक है, देखा जाए तो 97 से 100 हो गए हैं और यहाँ पर 5 सब्जेक्ट बढ़े हैं और स्टेट लिस्ट में घटा दिए हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ओरिजिनली स्टेट की पावर जितनी थी उससे कम कर दी गई है अगर लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो, ओके। और इसके अलावा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन कई बार आता है निकल के, ये क्या है, रेजिड्यूरी पावर। आप लोगों ने रेजिड्यू सुना हो गया, रेजिड्यू बोलते हैं अवशेष, मतलब जो बचा हुआ रह जाता है। मान लीजिए कोई भी पावर इसके अंडर कंट्रोल में नहीं है इन तीनों लिस्ट के, तो कोई सब्जेक्ट बच गया बाहर, तो अगर कोई इस तरीके का सब्जेक्ट बाहर बच जाता है तो वो पावर भी पार्लियामेंट में वेस्टेड होती है, मतलब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई मैटर आता है तो उसको पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी, वो किसी और को नहीं दिया जाएगा। अगर उससे रिलेटेड कोई भी मैटर आता है जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं धर रखा है, या फिर कोई एक नया कोई ऐसा इशू बन जाता है जिसके ऊपर लॉ बनाने की बात आ जाती है, ठीक है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, किसको पता था व्हाट्सएप जैसी चीजें आएंगी, इस तरीके की फेसबुक जैसी चीजें आएंगी, तो कोई नए नए इशू अगर कोई निकल के आते हैं जो कि किसी लिस्ट के अंदर कवर नहीं रहते हैं, जो किसी लिस्ट के अंदर कवर नहीं किए जाते हैं, अब तक कवर नहीं किए गए हैं, तो उनको हमेशा पार्लियामेंट को पावर दे दी जाती है कि आप उस चीज को हैंडल करके चलो। अगर सेम कंडीशन में यूएसए का एग्जांपल दूं आप लोगों को, यूएसए में अगर कोई रेजिड्यू सब्जेक्ट आता है तो यूएसए में स्टेटों को ये पावर दे दी जाती है। मतलब आप लोगों को मैं पहले बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, 50 स्टेट है वहां पर, तो उनके एरिया में अगर कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपने आप हैंडल करें उसको, तो उनको खुद को पावर दे दी जाती है, उनको सेंटर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि भैया ये क्या हो गया हमारी कंट्री में और इसको ये क्या हो गया हमारे एरिया में कि इसके ऊपर नया कोई लॉ बनाओ। तो ये पावर किसको रहती है, ये पावर रहती है स्टेट्स को, जो वहां पर स्टेट है उस एरिया में, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर 29 स्टेट है, ओके, वहां पर 50 स्टेट है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अच्छे से। पर कनाडा में अगर रेजिड्यू पावर की बात की जाए तो यहां पर किसके अंडर में आती है, यहां पर सेंटर के अंडर में आती है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं, जो फेडरल सिस्टम, वो कनाडा वाला फॉलो करते हैं, ओके। तो ये आप लोगों को माइंड में रखना है, इसको भूलना नहीं है। और एक आज आप लोगों के लिए काम है, देखिए तीनों लिस्ट है, जिस तरीके से यूनियन लिस्ट हो गया, सेंट्रल लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, ये यूनियन बोल दिया, सॉरी वो सेंटर बोल दिया, यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया और कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो तीनों लिस्टों को एक बार एक एक दिन देखे, तीनों लिस्टों के एक बार आइटम देखेगा इसमें क्या क्या आइटम रखे हुए हैं। आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा मैं, यहाँ पर रटना नहीं है इनको, वरना 100, 61 और 52 इतना आइटम रट के कहाँ पर जाओगे, रटना कुछ नहीं है, इनको पढ़ना और पढ़ के बाद में समझना, आप समझने की कोशिश करना कि ये आइटम यहाँ पर रखा गया है, आखिर ये आइटम यहाँ पर ही क्यों रखा गया है। तो जैसे आप लोग देखेंगे, मान लीजिए पुलिसिंग का सब्जेक्ट है, पुलिंग से रिलेटेड कोई मैटर है इस तरीके का, अगर कोई वो आ गया यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है तो स्टेट में आ गया, सेंटर क्या करेगा एग्रीकल्चर का, स्टेट के अंडर में है वो सब्जेक्ट इस तरीके से। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगी जैसे आप लोग देखेंगे। कुछ पॉइंट पे आप लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा, वो आप लोग एक दो बार इनको पढ़ेंगे तो वो कन्फ्यूजन भी आप लोगों का दूर हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। तो हमारे यहाँ पे जो मॉडल फॉलो किया जाता है वो कनाडा का फॉलो किया जाता है, और मैक्सिमम अगर जो प्रोविजन लिए गए हैं वो लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। स्टार्टिंग के जो लेक्चर मैंने आप लोगों को दो बताए थे कि कहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया है, वो दोनों लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, वहां पर कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन डिस्कस की गई थी कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निकला है 1857 से। पहले तक का पोर्शन मैंने आप लोगों को दिखाया जब तक यहाँ पर कंपनी का रूल था, फिर 1857 से 1947 तक का जो रूल रहा है वो मैंने दिखाया, तो दो वीडियो मैंने बनाई थी। सारी वीडियो के लिंक जो है आप लोगों को हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहते हैं और कमेंट बॉक्स में भी रहते हैं, और जब वीडियो खत्म होती है उसके लास्ट में भी आप लोगों को दिख जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कई सारे स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर पुरानी वाली वीडियो नहीं मिल पा रही है, तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो उसको प्लेलिस्ट थोड़ा आप लोग भी लिंक पेस्ट कर दिया कीजिए जिससे कि उसको भी फायदा हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को शेयर करते रहना चाहिए आप लोगों को भी। तो यहाँ पर देखिए बात क्या की जा रही है, यहाँ पर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था तो यहाँ पर तीन तरीके से पावर दे दी जाती थी, फेडरल था, प्रोविंशियल था और कॉन्करेंट, तो तीन जगह डिवाइड किया गया था,
ठीक है, तो तीन जगह तो डिवाइड कर दिया, पर लेकिन जब रेजिड्यू वाली पोर्शन का काम आता था यहाँ पर, जो मैंने बचाया, जब मैंने आप लोगों को अभी बताया जो बचा हुआ पोर्शन है, तो जो बचा हुआ पोर्शन आता था वो ना तो फेडरल को दिया जाता था, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। तो जिस तरीके से आप लोगों ने ऊपर देखा, ऊपर क्या था, जो फेड जो रेजिड्यू पावर थी वो स्टेट को दे दिया, कनाडा ने जो बची हुई पावर थी अगर कोई नया सब्जेक्ट निकल के आ रहा है वो सेंटर को दे दिया, पर लेकिन जो 1930 वाला हमारा एक्ट था वहां पर ना तो फेडरल को दिया और ना प्रोविंस को दिया, यहां पर वो पावर रहती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में, वो जो पावर रहती थी, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला मॉडल भी हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 1930 वाला मॉडल भी हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग किस क्या फॉलो कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, अगर आप लोगों से क्वेश्चन आ गया कि हम लोग जो ये रेजिड्यू वाला कॉन्सेप्ट है हम लोग किसको देते हैं, ये कहां से फॉलो किया है, तो उसमें आप लोगों को ऑप्शन दे देगा कि यूएसए से किया है, 1935 एक्ट से किया है, कनाडा मॉडल से किया है, या फिर नन ऑफ द अबो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कनाडा से हमने लिया है, कनाडा में हम बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसा हम लोग कर रहे हैं, तो कनाडा से हमने इसको लिया है, ओके। तो इस तरीके से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से कई सारी बातें जो मैंने आप लोगों को अभी बताई लास्ट वाले पॉइंट में, कि जो पावर होती है कई बार आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कि यूनियन लिस्ट की यूनियन ने कोई ला बनाया और स्टेट ने कोई ला बनाया, उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जा रहा है, तो हमेशा कौन आता है, कौन ऊपर रहता है, हमेशा जो ला रहेगा वो यूनियन लिस्ट वाला, मतलब जो पार्लियामेंट के द्वारा बना गया है ला, वो ऊपर रहेगा, स्टेट लिस्ट वाले को उससे सेकेंडरी प्रेफरेंस दिया जाएगा। पर लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर, ये एक्सेप्शन आप लोगों को याद रखना है। ये एक्सेप्शन क्या है, अगर स्टेट लिस्ट के द्वारा कोई ला बनाया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, और वो ला कंसीडर करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं, ठीक है, और फिर जाके उसको इंप्लीमेंट करता है, उस टाइम पर ये स्टेट लिस्ट वाला ही ला रहेगा ज्यादा ताकतवर। क्यों? क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो तो आप लोगों ने पहले ही कर डाला है, मतलब आप लोगों ने रिजर्व कर लिया उसको, जिस तरीके से आप लोगों का ला प्रिवेल करता है, तो आप लोग पहले उसको रिजर्व करके प्रेसिडेंट के पास में भेज चुके हैं, और प्रेसिडेंट के पास में भेजने का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में भेजना, ठीक है। तो वो उसको चेक करेंगी कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद में उसको मोहर मार के आगे भेजेंगी, तो वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अगर इस तरीके से कोई ला आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है वो ला ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया जाएगा वहां पर, उसको ऐसा नहीं किया जाएगा कि सेंटर ज्यादा ताकतवर है स्टेट ज्यादा ताकतवर है, तो इस तरीके से दोनों में कोई भी डिफरेंस यहां पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो स्टेट वाला है उसी को प्रिवेल किया जाएगा, ओके। अब दूसरा पोर्शन यहां पे, नेक्स्ट वाला पोर्शन आ गया, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, कि अगर स्टेट से रिलेटेड कोई मैटर ऐसा होता है कि किस तरीके से उसको हैंडल करके चलना चाहिए, तो वहां पे भी कई सारे प्रोविजन निकल के आते हैं। क्या रहते हैं, मान लीजिए राज्यसभा ने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया 2/3 मेजोरिटी से, और ये बोला कि राज्यसभा ने ये बोला उसमें रिजोल्यूशन में कि कोई पर्टिकुलर लिस्ट आ गई, एजुकेशन तो खैर कॉन्करेंट में है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही कोई इशू आ गया, कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये इशू है और इस इशू पे ला बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर ला बना सकती है, हालांकि ये सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है पर फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ला बना सकती है अगर राज्यसभा ने इसको पास कर दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट खुद उस पर ला नहीं बना सकता है, स्टेट भी उसमें ला बना सकता है, पर फिर बात वही आती है निकल के, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पाया जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर सेंटर के ला को प्रिवेल कर दिया जाएगा। तो इसलिए स्टेट जो ला बनाता है उसको स्टेट को स्टेट ला बना से फिर मना कर देता है, क्योंकि अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा तो फिर सेंटर वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये एक कुछ ऐसी कंडीशन है, ये स्पेशल कंडीशन है, ठीक है, कुछ ऐसी हरकत आप लोगों को इमरजेंसी के ड्यूरेशन में देखने को मिलती है, जब पार्लियामेंट को ज्यादा पावर दे दी जाती है स्टेट के फील्ड में भी, मतलब स्टेट लिस्ट में भी पार्लियामेंट के हाथ में पावर आ जाती है, तो वो वाले लेजिस्लेशन यहां पर दे रखे हैं। और ऊपर वाले में आप लोगों को एक बात और याद रखनी है, ये ला जो बनाया जाएगा ये मैक्सिमम 1 ईयर तक इंप्लीमेंट रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, 1 ईयर के बीच में कितनी भी बार बना सकते हैं उसको, फिर से रिपील करके फिर से ला सकते हैं, पर लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं रहेगा, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर ऐसा रखेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं जो फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, वो फेडरल सिस्टम का मतलब ही नहीं रहेगा, जब सेंटर अपना हटा हटा के फिर से ला लेके आता रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा यहां पर। तो इसलिए आप लोगों को ये माइंड में क्लैरिटी रखनी है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, इमरजेंसी के ड्यूरेशन में अगर कोई पार्लियामेंट क्या कहती है, जो लेजिस्लेशन मैटर है वो पार्लियामेंट के हाथ में आ जाते हैं, तो पार्लियामेंट उस पर ला बना सकती है, पर लेकिन यहां पर भी कंडीशन है, जिस दिन से इमरजेंसी खत्म हो जाएगी उसके विद इन 6 मंथ ये जो ला बनाया गया है वो भी खत्म हो जाएगा, तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 6 मंथ है और वहां पर ऊपर 1 ईयर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन में अलग है और जो राज्यसभा पास कर दिया 2/3 की मेजोरिटी से जो रेजोल्यूशन उसमें अलग है, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। नेक्स्ट वाला काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, अगर स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं सेंटर से कि इस पर आप लोग ला बना दीजिए, तो उस टाइम पर सेंटर ला बना देता है, पर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट होने चाहिए, ठीक है,
तो दो या दो से ज्यादा रिक्वेस्ट स्टेट जब रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट से कि आप इस मैटर पर लॉ बना दीजिए, तो फिर पार्लियामेंट उस पर लॉ बना देती है। पर ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट दो ने करी और इंप्लीमेंट वो सब स्टेटों पे किया जाएगा, वो उन रिक्वेस्टेड स्टेटों पर ही इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी दूसरे स्टेट को लगता है कि उसके लिए भी सुटेबल है ये, तो वो भी इंप्लीमेंट कर सकता है। ऐसी कोई पाबंद नहीं है कि वो सामने वाला दूसरा स्टेट इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है, तो वो भी उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला प्रोविजन काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने स्टेट लिस्ट पर सब्जेक्ट पर लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को, तो किया भी गया है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकल गया था उसी से, वाटर कंजर्वेशन किस तरीके से करना है, तो ये भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कई सारे स्टेटों ने मिलके कि आप लोग लॉ बनाइए इसके ऊपर और फिर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इसको। तो उसी के बेस पर आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं कई जगह पर इसको आराम से इंप्लीमेंट किया जा रहा है और आराम से, कोई इसके बीच में कोई कंफ्यूजन भी नहीं है और कोई रस्साकसी भी नहीं होती है सेंटर और स्टेट के बीच में इस लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट खुद ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि स्टेट लिस्ट पर आप लोग बना दीजिए, पहला राज्यसभा के द्वारा, दूसरा इमरजेंसी के द्वारा, और दूसरा तीसरा खुद से रिक्वेस्ट अगर कोई स्टेट करता है तो तब भी उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वाले में आप लोगों को पता है अगर कोई इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट है वो इंप्लीमेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, यूएन ने कोई पास कर दिया है इंडिया के साथ मिलके, तो इस तरीके से अगर कोई भी उस तरीके का एग्रीमेंट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप लोग ले लीजिए, तो इस तरीके का कोई भी ट्रीटी या हम लोगों को इंप्लीमेंट करना है कोई एग्रीमेंट, तो उस टाइम पर भी यहाँ पर क्या कर सकता है, स्टेट वाले एरिया में जाकर सेंटर अपने लॉ बना सकता है अगर कोई इंटरनेशनल से रिलेटेड इशू कोई रहता है उसको इंप्लीमेंट करने की बात आती है। तो पांचवा जो है यहाँ पर अगर पांचवा देखेंगे तो वह है प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, पर जिस दिन प्रेसिडेंट रूल हटेगा उसी दिन उसको चेंज किया जा सकता है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा तो पांच चीजें हो गई यहाँ पर, राज्यसभा वाला फंडा हो गया, नेशनल इमरजेंसी वाला हो गया, इसके अलावा अगर कोई रिक्वेस्ट करता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट को किसी को इंप्लीमेंट करना है, या फिर प्रेसिडेंट रूल आता है, तो ये सारे आप लोगों को याद रखने हैं। इन कंडीशंस में पार्लियामेंट को पावर दे दी जाती है स्टेट से ज्यादा कि आप लोग स्टेट वाली लिस्ट के ऊपर भी अपनी पावर दिखा सकते हैं और उससे रिलेटेड कोई लॉ लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके हाथ नहीं बंधे हैं, यहाँ पर भी ये लॉ बना सकते हैं। तो ये कुछ एरिया है जो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एरिया है जहां पर कंट्रोल रहता है सेंटर का स्टेट के लेजिस्लेशन पर। वो क्या एरिया है, वो एरिया है जिस तरीके से गवर्नर क्या करता है, रिजर्व कर लेता है कोई भी बिल अगर उसको बोला जाए सेंटर के द्वारा, तो सेंटर के द्वारा मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी भी स्टेट को बोल सकता है कि इस बिल को गवर्नर के द्वारा रिजर्व करा जाए और वो हमारे पास में भेजा जाए। तो ये कब होता है, कुछ मैटर्स होते हैं जिन पे ये इस तरीके के स्टेप्स लिए जाते हैं। अगर देखिए क्या होता है, अगर कोई बिल ऐसा लेके आता है स्टेट जिसे इम्पोज की जाए रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड द कॉमर्स, मतलब जिस तरीके से हमारे यहाँ पर 29 स्टेट हैं, 29 स्टेटों के बीच में अलग अलग से ट्रेड, अलग अलग से एक दूसरे के बीच में, मान लीजिए कोई जैसे संतरा हो रहा है नागपुर में, ठीक है, अगर उसको लेके आना है यूपी में, तो इसी तरीके से अलग अलग कोई भी प्रोडक्ट हो रहा है, वेस्ट बंगाल में टमाटर हो रहे हैं उसको लेके आना है राजस्थान में, तो इस तरीके का अगर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है कि ट्रेड जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो इस तरीके के बिल को क्या करता है, सेंटर रख लेता है, आगे नहीं जाने देता उसको, ठीक है, और उसको रखे रखेगा, उसको कभी मतलब रिटर्न नहीं करेगा। तो इस तरीके की कंडीशन भी की जा सकती है जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ ट्रेड वगैरह या इस तरीके की जो हार्मनी है सोसाइटी में वो बनी रहे। इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी के ड्यूरेशन में क्या कर सकता है, मनी बिल को भी रिजर्व किया जा सकता है कि आप मनी बिल से रिलेटेड या फाइनेंशियल बिल जो भी है, मतलब मनी से रिलेटेड जो भी मैटर है उसके ऊपर कोई भी आप लोग लॉ न बनाए, तो इस तरीके से भी इसको भी रिजर्व किया जा सकता है। तो ये भी एक स्टेप्स है जो कि गवर्नमेंट ले सकती है आसानी से और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो आप लोगों को ये याद रखना है। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाज़ाई फेडरल किसने बोला था, एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। दूसरा, किसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स है फेडरल ये सब चीज सिस्टम है यूनिटरी और ये, इसको स्पेशल मतलब यूनिक किसने बोला था कि ये यूनिक है अपने आप में ही, दूसरे से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो दोनों ही जो उस टाइम पे जो दोनों ही मतलब आप लोगों को दोनों पर्सन के नाम लिखने हैं, ये कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट के आप लोगों को यहाँ पर नाम लिखने हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में दोनों के नाम बताइएगा, और हम लोग किसके बेस का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ये भी आप लोग क्वेश्चन में बताइए, नीचे आंसर में बताइएगा, जो मैंने आप लोगों से बीच में ही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो कई सारे इस तरीके क्वेश्चन डायरेक्ट निकल के आते हैं जो आप लोग बता सकते हैं, और इस तरीके से आप लोगों को कन्फ्यूजन में भी नहीं आना है। और हमारे यहाँ पर जो रेजिड्यू पावर होती है वो किसके अंडर में आती है, गवर्नर के हाथ में रहती है, प्रेसिडेंट के हाथ में रहती है, पार्लियामेंट के हाथ में रहती है, स्टेट के हाथ में रहती है, तो ये भी आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चारों क्वेश्चनों के आंसर दीजिएगा और पार्टिसिपेट कीजिए और चीजों को शेयर भी कीजिए अपने आसपास में, जिससे कि जो इंसान कोचिंग वगैरह नहीं ले रहा है उस तक भी चीजें पहुंच सके। ओके, तो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे कि मैं लेक्चर को इंप्रूव कर सकूं। अपने आसपास पानी को और पेड़ को सेव कीजिए और अपने आसपास सफाई भी रखिए, और मिलजुल के रहिए यार सोसाइटी में, अच्छे से जितना मिलजुल कर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा।
माता पिता पे ज्यादा फोकस कीजिए एज कम्पेयर टू जो बाबा होते हैं इन पे फोकस करने के, अपनी सोसाइटी में एक हार्मनी बनी रहेगी। ठीक है, तो अपने माँ बाप पर ज्यादा फोकस करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा है और उससे आपके मन को सुकून भी मिलेगा। अगर आप लोग ये बाबा के पीछे पड़े रहते हैं इनके कंपेयर में, वो आप लोग देख ही सकते हैं कितने किस तरीके के बाबा बन जाते हैं बाद में आके। तो उन सब चीज़ों को साइड में रखिए और पेरेंट्स पर फोकस कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।